नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल NMEQ सॉल्यूशन पर। आज हम अपने सभी ऑपरेटर भाइयों के लिए नई किट जो कि आधार के सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी है, तो विंडोज़ 10 पे भी सपोर्ट करती है और विंडोज़ 11 पे, आपको दिखाना चाहेंगे उस किट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको क्या क्या इंक्लूड है उस किट के अंदर। देखिए, ये थैलस का फिंगरप्रिंट डिवाइस है जो 10 फिंगर प्रिंट स्कैन करता है। ये CMATech का आयरिस स्कैनर है, ड्यूल आयरिस स्कैनर है। ये G-Star का GPS है जो लोकेशन ट्रैकिंग के लिए काम आता है, और ये भी GPS है UGR-86 का। और Logitech का 720p वेब कैमरा जो फोटोज़ खींचने के लिए, रेजिडेंस के फ़ोटो खींचने के लिए आधार एनरोलमेंट के काम आता है। और आपको चलिए दिखाते हैं ये किट कैसी दिखती है और इसको अनबॉक्सिंग भी करते हैं और इसके बारे में भी बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है। सबसे पहले मैं आपको थैलस का 10 फिंगरप्रिंट स्कैनर को अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये लेटेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कोजेंट कंपनी का जो आता था, अब ये कोजन का नाम चेंज होके थैलस आ गया है। सबसे पहले ये हमारे पास थैलस CS5001 इसका पावर डाटा केबल है USB, जिससे आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, और इसकी डाटा केबल की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार क्वालिटी है। और एक छोटा सा मैनुअल भी इसमें निकला है। देन इसके बाद आपका ये थैलस कंपनी का, देखिए, थैलस कोजन बायोमेट्रिक स्कैनर सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर डाउनलोड, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी निकला है इसमें कि आप इसमें सारे इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइवर और मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। बहुत ही अच्छी पैकिंग में है, ताकि आप अगर COD या कैश ऑन डिलीवरी या किसी मॉड से मंगाते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, थैलस का 10 फिंगर स्कैन प्रिंट स्कैनर, और देख पा रहे हैं जैसे कि, और ये है इसका जहाँ पर वायर कनेक्ट होती है, ये इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया कनेक्ट, और अब दिखाते हैं आपको जो कि आयरिस कैप्चरिंग के लिए यूज होता है। ये आयरिस कैमरा BMT20 है, इसको CMATech के नाम से भी जाना जाता है, और इस टाइम ये इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। चलिए इसको भी अनबॉक्स करते हैं। इसकी भी पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है, BMT20 की आप देख पा रहे हैं, CMATech, ये आयरिस स्कैनर है ब्रांड न्यू, आप देख पा रहे हैं इसको। तो चलिए, इसके अंदर कोई मैनुअल नहीं निकला, इसके इंस्टॉलेशन ड्राइवर आपको बड़े आसानी से आधार के सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। और ये थर्ड चीज़ है जो आधार एनरोलमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिवाइस है, ये है GPS डिवाइस। मैं इसको भी अनबॉक्स करता हूँ। G-Star का, ग्लोबल स्टार का GPS रिसीवर, देख पा रहे हैं। इन सभी पर 1 ईयर की वारंटी आती है कंपनी की तरफ से, आप इसको बहुत ही आसानी से इंस्टॉल भी कर पा सकते हैं, देख पा रहे हैं। ये हो गया GPS डिवाइस, मैं साइड पे कर देता हूँ सारी चीज़ें और वन बाय वन को आपके सामने रखते हैं। अब ये भी GPS डिवाइस है, ये इंडियन मेड है और 2086, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोज में भी हमने बता रखा है, ये भी GPS डिवाइस है, देख पा रहे हैं जैसे, इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे रखा है। और थर्ड हो गया Logitech का C270 वेब कैमरा, इसको भी चलिए खोलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये सारे ब्रांड न्यू डिवाइस हैं जो कि हमारे पास बिल पे अवेलेबल है। कोई भी ऑपरेटर भाई हमसे
कांटेक्ट करके सिंगल पीस की भी क्वांटिटी ले सकता है और बल्क में भी ले सकता है, और बहुत ही शानदार प्राइस आपको ऑफर करेंगे हम अपने जो भी हमारा क्लाइंट और कस्टमर यूट्यूब के वीडियो देख के आ रहा है। और ये देखिए कैमरा लॉजिटेक का C270 कैमरा देख पा रहे हैं, और मैं इसको भी यहाँ अनबॉक्सिंग में दिखा देता हूँ। ये पांच मैंडेटरी चीज हैं जो आधार एनरोलमेंट के लिए एक ऑपरेटर या वीएलए भाई को जो बहुत जरूरत पड़ती है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिससे हम अपनी फिंगर्स कैप्चर करते हैं या रेजिडेंस की फिंगर कैप्चर करते हैं। 10 फिंगर्स से कैप्चर होती है 1x1, पहले राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड देन बोथ सब। और ये जैसा कि आयरिस है इससे हम रेटिना स्कैन करते हैं, हमारे बहुत रेटिना स्कैन होते हैं इससे और आधार एनरोलमेंट के टाइम में। और इससे हमारा जो कैमरा काम आता है, ये कैमरा रेजिडेंस की फ़ोटो जो कि आधार कार्ड पे प्रिंट होकर आती है वो कैप्चर होती है। और GPS डिवाइस के बिना तो आपका आधार एनरोलमेंट सेंटर का सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर सकता जब तक आप इससे GPS टैगिंग नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारी मैंडेटरी डिवाइसेस हैं जो एक आधार सेंटर को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, वाइट स्टैंडी होगी, लाइट होगी, स्क्रीन हो गई, ये भी सारा पूरा एक एनरोलमेंट का पार्ट है। मेजर पार्ट में जो सबसे कॉस्टली डिवाइसेस आते हैं यही चार डिवाइसेस हैं जो एक एनरोलमेंट में लैपटॉप के को छोड़ के ये सारे डिवाइसेस हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा हमारे पास और भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। L1 का आयरिस ये थैलिस का भी है, L1 का भी आप देख सकते हैं, ये भी ब्रांड न्यू आयरिस है, इसकी प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया है, ये आप देख पा रहे हैं। अभी L1 के आयरिस के अंदर विंडोज 7 का ही सपोर्ट है, विंडोज 10 और 11 का सपोर्ट नहीं करता, और अभी तक इसका कोई मार्केट में ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं हुआ। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको कि जो अभी हमने आपको दिखाए हैं डिवाइसेस आधार के, ये विंडोज 10, 7, 11 सब पे सपोर्ट करता है। अगर किसी ऑपरेटर भाई को किसी तरह की भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के में दिक्कत आ रही है तो हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। वो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर मैसेज कर सकते हैं, हम उनको कॉन्टैक्ट करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक चीज़ मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप लोगों ने हमें बहुत ही प्यार दिया, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को बहुत सराहा, हमारे को पैन इंडिया से बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेज आए डिवाइसेस के लिए, उनकी रेट्स के लिए, कई ऑपरेटर भाइयों को प्रॉब्लम्स भी आई जिनको हमने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया। हम इतना सारा प्यार देख के हम तहे दिल से सभी ऑपरेटर भाइयों और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल और सभी लोगों को पसंद आया होगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था हमारा एक ऑफर भी चल रहा है, जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम एंड ऑफ द मंथ एक लकी ड्रॉ स्कीम निकालेंगे जिसमें उनके लिए आकर्षक प्राइज जीतने का मौका है। और सभी को थैंक यू एक बार से फिर से कहता हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।